प्रस्तुत आपके इस प्रांगण में आप लोगों के समक्ष हम लोग आज के विषय को लेकर के प्रस्तुत वार्ता कर रहे हैं। मैं शक्तिदत्त शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष के नाते मैं एक बार मेरे साथी जो साथ में बैठे हैं इनका परिचय करवा देता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी जानीपुर के पार्षद हैं। श्रीमान प्रभात सिंह जी सनातन धर्म सभा के महामंत्री के नाते जिम्मेदारी है। अनूप अग्रवाल जी कनक मंडी ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान हैं। हमारे बीच में मंगलेश्वर सिंह जी अमर शक्ति रायपुर सभा के महामंत्री का जिम्मेदारी है इनके पास। कुलदीप लुथरा जी जानीपुर के अंदर जिस घटना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ स्थानीय निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अपने बीच में लोक गुप्ता जी, राजन गुप्ता जी जो कि तालाब तलों के रहने वाले हैं, समाज के अंदर अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। इन सबके साथ मैं 7 मार्च होली के दिन जो घटना घटित हुई जिसमें डॉक्टर सुमेधा शर्मा जो तालाब तल्लो की रहने वाली थी उनको किस प्रकार से जानीपुर कॉलोनी के अंदर भद्रवा के रहने वाले जौहर गनई नामक युवक के घर में ले जाकर के और उसकी निर्मम हत्या की गई, उसी को लेकर के हम लोग यहां पर आज का जो संदेश देने वाले हैं। 7 मार्च को उस बेटी को जानीपुर के अंदर जौहर गनई के कमरे में ले जाकर के कौन लोग उसको वहां पर ले गए, किन परिस्थितियों में वो वहां पर पहुंची और वहां पर उसकी हत्या कैसे हुई, हत्या की जो सारे वहां पर साक्ष्य ध्यान में आते हैं, हत्या करने के बाद जो जौहर गनई है वो भी अंदर है, जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी अंदर है और बाहर से जो ताला है वो बंद है। ऐसा करना असंभव सा प्रतीत होता है कि अंदर जिन लोगों ने हत्या करके और बाहर से कुछ लोगों ने बंद किया उस ताले को, उस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रही है। उस बच्ची को वहां पर कौन लोग लाए, किन सर्कमस्टांसेस में वहां पहुंची, कौन लोग हत्या में शामिल थे, केवल जो जौहर गनई है उसको कुछ जख्म लगे हैं वो भी एक संशय के दायरे में आते हैं और बाहर से ताला बंद करके कौन लोग वहां से फरार हो गए, इसमें पुलिस ने आज तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं की है। इसमें केवल वही भद्रवा का रहने वाला जौहर गनई शामिल नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसके कौन रिश्तेदार हैं, कौन उसके साथी हैं, उसके परिवार ने किस प्रकार से इस हत्या में अपना सारा योगदान दिया है, ये आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। वैसे तो जो तुरंत एक कार्रवाई रहती है, एक आप इसको विंडो ड्रेसिंग कहिए, आई वॉच कहिए, एक सिट का गठन कर दिया गया, लेकिन उस सिट के बारे में अभी तक समाज के अंदर जो है कि उसकी हमारी वो विश्वास नहीं बन पाया है, क्योंकि ना तो कैमरे की कोई सहायता ली गई है, जो मोहल्ले के अंदर कैमरे लगे थे उनसे ये स्पष्ट हो जाता कि लड़की वहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने वहां पर ताला बंद किया बाहर से, और जो वहां पर वेपन से जो वहां पड़े थे जिससे उन्होंने कुछ और आगे उनका इरादा किया था, उन वेपन्स को किस प्रकार से बच्ची के ऊपर इस्तेमाल करना था वो भी 20 दिन तक बरामद नहीं किए,
तो वो लोग अपने पुलिस ने बरामद किए हैं, गिरफ्तार किए हैं। अभी तक औपचारिक रूप से उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये देखने में आ रहा है, सुनने में, कि उस लड़के को कहीं बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र के तहत होने वाला है, क्योंकि जो मेडिकल का बोर्ड बना हुआ है वो भी संशय के घेरे में है। किस पर कितना उसको जख्म हुए हैं, कितना उसका स्थिति क्या है, उसका मेडिकल स्टेटस क्या है, इसके लिए हम लोग ये मांग करने वाले हैं सब लोग कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने,